కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసార సారం భుజగేంద్రహారం సదావసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. సదాశివ బం 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 సాంబ సదాశివ సేలో లగన లగాయ్. ఇస్ ధరతీ పర్ ప్రభు భక్తో కో ఆజ్ కభీ నాయ్. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. खटोला भर लो रे भाई, भर लो रे भाई प्रभु भजन से झोला, प्रभु भजन से झोला. ये जन्म बड़ा है सलोना, माटी को बना लो सोना, हाथों में आया हुआ समय बेकार निकल ना जाए. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. लख चौरासी का बड़ा विकट है फेरा, बड़ा विकट है फेरा. भगवान को सौंप दो नैया, वो होंगे स्वयं की भैया. इस भव सागर से तिरने का है केवल यही उपाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. बम 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 सांब सदा शिव से लो लगन लगाए. इस धरती पर प्रभु भक्तों को आज कभी ना. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नारायण नारायण. आइए मुनिवर पधारिए. यहां महाराज बाणासुर को भगवान शंकर की स्तुति करते देख रहा हूं और वहां विष्णुलोक में आपका गर्व खंडन करने की चर्चा चल रही है. हमारा गर्व खंडन मुनिराज विष्णुलोक में जाकर कहिए.
कि वाणासुर के गर्भखंडन के स्वप्न देखने से पहले वे भगवान शंकर के त्रिशूल से स्वयं विष्णु के चक्र सुदर्शन की रक्षा की चिंता करें। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज बाणासुर? मुनिराज, ये हम नहीं बोल रहे, हमारे पिताश्री को पाताल में धसा देने वाले विष्णु के विरुद्ध हमारा प्रतिशोध बोल रहा है। हमारे इष्ट देव भगवान शंकर का दिया हुआ हमारी सहस्र भुजाओं का बल बोल रहा है और बोल रहा है हमारी रक्षा हेतु दिया हुआ स्वयं महादेव जी का वचन। विश्वास नहीं होता महाराज बाणासुर, जिन महादेव जी ने आपको सहस्र बाहु बना दिया उन्हीं से आप युद्ध ठानने पहुंच गए, फिर भी वे आपकी रक्षा का वचन दे दें, यह आश्चर्य नहीं तो क्या? मुनिराज, पहले शिवलोक में जाइए, भगवान शंकर स्वयं आपका आश्चर्य मिटा देंगे। जाना ही होगा। नार नार शंकर हर हर, हर हर शंकर। नारायण नारायण। देवर्षि पधारिए, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो भला बुरा पात्र कुपात्र कुछ देखते सोचते ही नहीं। देवर्षि, आज ये उलाहना किसके बारे में लाए हैं? आपके अभिमानी भक्त बाणासुर के बारे में। भगवान, आपने उसे उसकी रक्षा का वचन क्या दे दिया? वानर के गले में रुद्राक्ष की माला पड़ गई, बाणासुर आपको अपना अस्त्र मान रहा है और भगवान विष्णु का संहार कराना चाहता। भगवान विष्णु का संहार? हाँ महादेवी, और वो भी महादेव जी के आज। देवर्षि, भगवान विष्णु का और मेरा लक्ष्य एक है, हम एक ही हैं, दो नहीं। यह तो हम समझते हैं भगवान, किंतु आप दोनों दो हैं और एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। यह प्रमाणित करने के लिए बाणासुर ने तो अपनी कन्या को कारण भी बना लिया। अपनी कन्या को? वाह महादेवी, भोलेनाथ तो भुलक्कड़ है ही, किंतु आप भी बाणासुर को दी हुई अपनी मानस पुत्री कुमारी उषा को भूल गई? बाणासुर ने अपने गर्भ खंडन के डर से कुमारी उषा को दुर्ग में बंद कर रखा। दादाजी, दादाजी, क्या है अनिरुद्ध? दूत समाचार लाया है कि हस्तिनापुर में श्याम काका ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण किया है, इसलिए दोनों को दुर्योधन ने बंदी बना लिया है। भैया, कन्हैया, भैया, दुर्योधन को आपने जो गदा युद्ध में प्रवीण किया उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं? क्या हुआ? कौरव ने हमारे शाम को ही बंदी बना लिया है। भैया, उसे मुक्त करने के लिए हमें युद्ध करना होगा। तुम शांत रहो, मैं अकेले हस्तिनापुर जाकर शाम को ले आता हूँ। केवल शाम को ही नहीं, साथ में लक्ष्मणा को भी। हाँ हाँ, तो लक्ष्मी को भी ले आऊंगा। श्री बलराम जी हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यदु कुलभूषण, श्री बलराम जी हमारी रक्षा कीजिए। राक्षस याद्धम, राक्षस बलवल बार बार हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर डालता है। उस पति से हमारी रक्षा कीजिए बलराम जी, रक्षा कीजिए। पधारिए, पधारिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये रहा दुष्ट बलवल। तुम इन ऋषि मुनियों को बचाने आए हो? क्या बलबल को नहीं जानते? मैं अधर्मियों का नाश करना जानता हूँ। Yeah!
मरे हुए पर हाथ उठाना धर्म नहीं है। ये शिरोमणि धर्म उठा श्री बलराम जी की जय। आपकी जय हो। श्री बलराम जी हस्तिनापुर में पधारे हैं। गुरुदेव हस्तिनापुर में कहाँ है? नगर के बाहर तंबू डालकर विश्राम कर रहे हैं। नगर के बाहर? समझ लो भांजे, दाल में कुछ काला है। हो सकता है सांप को छुड़ाने के लिए बलराम जी क्रोध में आए हो और यादव सेना भी लाकर छुपाए हुए हो। नहीं नहीं, गुरुदेव कपटी नहीं, बहुत सीधे हैं। चले उनका स्वागत करें। चलते तो हैं, पर चलने से पहले ये समझ लो भांजे कि जहां तक गदा युद्ध सिखाने का प्रश्न है वहां तो बलराम जी तुम्हारे गुरु हैं, किंतु जहां सांप का प्रश्न है वहां वे केवल यादव हैं। और यादों में जो बहुत सीधे होते हैं वे भी पालकी के बांस होते हैं। गुरुदेव, राज प्रसाद में पधारकर हमें पावन कीजिए। कौरवों से मुझे इतना ही कहना है कि मेरे स्वागत के बदले वे साम और लक्ष्मणा को मेरे साथ विदा कर दें। साम के साथ लक्ष्मणा को भी? बलराम जी, ये विनती है या चुनौती? भाषा और भाव से तो इसे चुनौती ही समझना चाहिए। तो साम हमारा अपराधी है, उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। और लक्ष्मणा द्वारका के चौकट पर पैर धरे, ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। दुर्योधन, स्वप्न में ना होने वाली बात को भी साक्षात करने की शक्ति बलराम में है। और जरासंध के डर से मथुरा छोड़कर भागे हुए बलराम की इस धमकी का उत्तर देने की शक्ति सहस्र कौरवों में भी है। चलो भांजे। कौन सी बात है देवर्षि, वे मन पर रख ले तो पल भर में पूरी वसुंधरा को हिला दे। दादी जी, दादी जी। बलराम दादाजी और साम काका के रथ आते दिखाई दे रहे हैं। तुझे अपने काके का मुंह देखने की बड़ी इच्छा थी ना? महादेवी, अनिरुद्ध जी काकी दादी का ही मुंह देखते रहेंगे या किसी और का भी देखेंगे? यादवों में एक यही तो कुमारे रह गए। दादी जी, मैं कृष्ण दादाजी को समाचार देता हूँ। नारद जी, इस कामदेव के पुत्र अनिरुद्ध का रूप देखते हुए मुझे तो डर बना रहता है कि कहीं कोई देवांगना इसका हरण करके यदुकुल में उल्टी गंगा न बहा दे। किंतु पृथ्वी पर भी देवांगनाओं से बढ़कर कन्याएं हैं महादेवी। महादेवी, महादेवी, अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं है। शयन कक्ष में उनका पलंग भी नहीं है। क्या कहा? अनिरुद्ध नहीं और पलंग भी नहीं? शाम को आप छुड़ा ले आए तो अनिरुद्ध का पलंग समेत कोई हरण कर ले गया। अनिरुद्ध का हरण? चिंता मत करो देवी, यदुकुल के वंशज का हरण करना सहज हो सकता है, किंतु उसे छुपाकर
रोक रखना कठिन है। महाराज बाणासुर की जय हो। दया निधान, राजकुमारी उषा के महल में कोई पुरुष प्रवेश कर चुका है। पुरुष? असंभव। मैंने अपने कानों से भनक सुनी है अन्नदाता। हम अपनी आंखों से देखेंगे, आओ हमारे साथ। आकाश पाताल एक कर दिया गया, किंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला प्रभु। नारायण नारायण, पता कैसे चलेगा? नारायण की इच्छा बिना भला कुछ हो सकता? लीजिए, त्रिभुवन के समाचार केंद्र आ गए। भैया इनसे पूछे। मुझसे क्या पूछना है प्रभु, और आपके होते हुए मैं कह भी कैसे सकता हूँ कि अनिरुद्ध जी को बाणासुर ने बंदी बना रखा है। बाणासुर? कुछ बोलिए ना प्रभु। आप अपने भक्त राजा बलि के पुत्र को मारना न चाहते हो तो न सही, किंतु द्वारिका में अपने पौत्र और पौत्रवधू के स्वागत के लिए तो कुछ कीजिए। नारद जी बात क्या है, स्पष्ट कहिए। भाभी जी, ये भक्त और ये भगवान दोनों ही हमें चक्कर में डाल रहे हैं। चक्कर में तो स्वयं चक्रधारी पड़ गए हैं देवी। देवी, कन्याओं का हरण करना तो यादव कुल की रीत है ही, किंतु यादव कुमार अनिरुद्ध का हरण करके बाणासुर की कन्या उषा ले गई, ये नई और उल्टी रीत चल पड़ी। सेना तैयार करवाओ सातकी जी। द्वारकाधीश का अपमान करने वाले को दंड दिए बिना मैं नहीं रहूंगा। किंतु भैया, ये मेरी आज्ञा है। उस हजार हाथ वाले बाणासुर को हल धर का एक ही हल और कन्हैया का एक ही चक्र धूल चिता देगा। जो आज्ञा भैया। नारद जी पधारे और कुछ गड़बड़ न हो, ऐसा कभी हो सकता है? युद्ध की चुनौती, बाणासुर को युद्ध की चुनौती, सहस्र बाहु को युद्ध की चुनौती। आज बलराम और कृष्ण को पता लगेगा कि बाणासुर से टक्कर लेना स्वयं भगवान शंकर से टक्कर लेना। हर हर शंकर को ललकारा है। भगवान से भगवान का संग्राम? हाँ। देवराज इंद्र कहाँ चले? नाथ, बलराम और शंकर जी का युद्ध देख। नाथ, ये क्या होने जा रहा है? कृष्ण और शंकर जी का युद्ध होने जा रहा है।